सिंध बॉर्डर समेत दिल्ली के कई बॉर्डर पर 11 दिनों से किसानों का धरना जारी है। बुराड़ी ग्राउंड में भी किसान कृषि बिलों को वापस करने की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन समर्थन में अकाली दल के नेता मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में अकाली नेता आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अकाली दल के नेताओं ने शरद पवार, अखिलेश यादव, बीजू जनता दल से भी संपर्क साधा है। नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों की मांग जायज है, किसानों की मांगों पर विचार करे सरकार, एमएसपी को लेकर के भी कानून बनाए केंद्र सरकार। सरकार और किसान संगठनों के बीच पांचवें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक बेनतीजा रहने के बाद सरकार ने किसानों को एक बार फिर से 9 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के किसान अभी भी अड़े हुए हैं। किसानों के साथ हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि एपीएमसी एक्ट राज्य का है, किसानों के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बुजुर्ग और बच्चों को घर भेजने की अपील भी की। पलवल में पिछले 3 दिनों से रुके मध्यप्रदेश से आए किसानों ने नेशनल हाईवे पर ही धरना दिया। बुंदेलखंड के किसानों ने भी धरना दिया और कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। नूह के गांधी पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें अन्य किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया, जिसके बाद सभी संगठनों ने मिलकर के सरकार विरोधी नारे लगाए। नूह में सैकड़ों की संख्या में महिला किसानों ने दिल्ली कूच किया। काफिले में भारी तादाद में महिलाएं शामिल हुई। इन गांवों में दर्जनों ट्रैक्टर और गाड़ियों समेत सैकड़ों महिला किसान पैदल चल रही थी। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा से जेजेपी विधायक रामकरण काला ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि हम पहले किसानों के हितैषी हैं, उसके बाद नेता। चरखी दादरी में किसान संगठनों को हरियाणा रोडवेज का समर्थन मिला। किसानों के समर्थन में कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अम्बाला नगर निगम चुनावों में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार है और पार्टी को जनता का भी पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। दक्षिणी हरियाणा की 200 पंचायतों ने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार और पंजाब के किसानों को पत्र लिखकर के एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत करने का आग्रह किया। पानीपत नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने को लेकर के लगातार कार्रवाई चल रही है। पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाने के चलते निगम के अधिकारियों ने हाफिज बाद धार्मिक रामलीला क्लब को सील किया। यमुनानगर में प्रशासन की कार्रवाई में पकड़े गए 2 ओवरलोड ट्रकों की जांच करते समय बिलों में फर्जीवाड़े सामने आए। 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनएचएआई ने टोल कंपनी सोमा रेडीज को सस्पेंड करते हुए एनएच 44 के 3 टोल को संचालन तुरंत प्रभाव से बदल दिया है। कार्यों से असंतुष्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सोमा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुरुक्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और लोकल पुलिस की अलग अलग टीमों ने अचानक वारदात की योजना बना रहे बदमाशों को धर दबोचा है। बदमाशों से पुलिस ने 5 पिस्टल और 29 कारतूस भी बरामद किए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे कोवैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टरों ने बता दिया था कि वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगने के 14 दिन बाद ही एंटीबॉडी बनेगी। फिलहाल के रोहतक पीजीआईएमएस की तरफ से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना संक्रमित होने पर सफाई दी गई है। उनकी ओर से यह कहा गया कि कोरोना के ट्रायल में मरीजों का कोवैक्सीन ट्रायल चल रहा है और साथ ही कहा कि कोवैक्सीन की 2 डोज लेना जरूरी है। देश में 24 घंटे में 36,010 नए केस मिले हैं। 479 मरीजों की मौत हुई है। 96,44,000 से ज्यादा टोटल केस हुए हैं। 4,02,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं।
दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा, 24 घंटे में सामने 3,419 नए केस, 77 लोगों की हुई मौत, 26,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 95 मरीजों की मौत, कुल मौत का आंकड़ा हुआ 47,649 के पार, और वहीं अब भी 82,849 केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,833 नए केस, अब तक 5,22,867 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 22,243 केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 6,68,00,000 के पार, अब तक 15,34,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान, पूरी दुनिया में अब तक 1,90,00,000 के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,49,00,000 के पार, अब तक 87,87,000 से ज्यादा मरीज थी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमों के लिहाज से मुकाबला अहम है, भारतीय टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल है।